conical coordinate उसके बाद spherical coordinate देते हैं, cylindrical coordinate की जो definition है हमारे पास cartesian में, ये transformation for example cartesian coordinate के जो हम transformation करते हैं, यानी कि आपके अगर generalization form होती है जो cartesian coordinate की, या तो वो cylindrical में हम उसे करते हैं डिस्क्राइब, या तो स्फेरिकल में करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सिस है एक्स वाई एंड जी, कार्टेशियन में हमको भी पॉइंट लेते हैं जो कि उसकी जो आपके पास कोऑर्डिनेट होती हैं वो इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी होती है। इसी पॉइंट को हमने लिखना है इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा जैसे ये हम 3D में कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेन नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पॉइंट न्यू होगा जिसे हम P कह रहे हैं, एक्स की जगह हम यहाँ पर लेंगे R, वाई की जगह यहाँ पर हम लेंगे थीटा, और जेड एक्सिस आपके पास ऐसे ही रहेगा। जेड एक्सिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसकी कोई चेंजेस नहीं आती, इस वजह से जेड एक्सिस हम जेड एक्सिस ही लिखते हैं। कुछ बुक में ये जो आपके पास आर थीटा इन फॉर्म ऑफ ये रो भी है, रो भी मेंशन किया जाता है और फाई भी मेंशन किया जाता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस थोड़ी सी सिंबल डिफरेंट आठर ये डिफरेंट होती है। अब इन पॉइंट को अगर हम लोकेट करें आर को, ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपके पास है यूनिट की होती है, वाई की जो आपके पास ट्रैक्शन होती है अलोंग वाई एक्सिस होती है, आर आपको पता है कि आर अगर आप ड्रा करें इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में, तो वो आपके पास क्या होता है कि वो डिस्टेंस होता है आपके पास ओरिजिन से, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस बनेगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी आर है इसे आर कह लें, और थीटा आपके पास क्या होता है इस वेक्टर से एक्स एक्सिस का जो आपके पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं, तो ये आपके पास थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना हो आर किसके इक्वल है, ये हम लिख रहे हैं कार्टेशियन से हम जा रहे हैं, सिलेंडर से जा रहे हैं कार्टेशियन में, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम बता रहे हैं जिस तरह आपने कार्टेशियन से सिलेंडर की ट्रांसफॉर्मेशन की थी, एक्स के अलोंग आपके पास उसके क्रॉसपॉन्डिंग यू वन था, वाई के क्रॉसपॉन्डिंग यू टू था, और जेड के क्रॉसपॉन्डिंग यू थ्री था, इसी तरह यहाँ से हम कार्टेशियन सिलेंडर की जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल जो उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, हम एक्स वाई जी से जा रहे हैं आर थीटा एम जी से, ये हमने व्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाए जी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये आपके पास ओरिजिन होता है, ये बहुत जितनी आपके पास ये एक्सिस की लाइन है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिन होता है एक्स वाई जी है, या आप एक्स वाई प्लेन को जी वाला आप अपने प्रोजेक्शन निकालें, यहाँ पर आपके पास ये थीटा है और ये आर है, तो ये आपके पास जो प्लेन है, ये जो प्लेन है आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये जो पॉइंट आपके पास आया, तो इस पॉइंट का अगर आप नेम दें तो ये थीटा है ना, आर जो कि आपके पास डिस्टेंस है कहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन था, तो वो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ओरिजिन का डिस्टेंस फार्मूला के पास ये होते हैं। यहाँ से आपको पता है कि थीटा हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक्स वाई प्लेन है तो ये आपके पास होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ से ये आपके पास, ये जो आपके पास डिस्टेंस था एक्स एक्सिस का था, ये वाई एक्सिस का था, ये आपके पास जेड एक्सिस है, इसका कोई चेंजेस नहीं हमें नज़र आया। तो ये आपके पास एज इट इज ही रहेगा, नो चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास इसका जो थर्ड होगा कोऑर्डिनेट वो ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू जेड एक्सिस। ये हमने एक्स वाई जी से आर थीटा जी यानी कि सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिफाइन की है। अगर हम यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज लें, एक्स को वन ले लें, वाई को स्क्वायर रूट ओवर थ्री ले लें, जेड को नाइन ले लें, तो इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस तरह से वैल्यूज होगी। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट लेंगे तो टू आ गए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास टू आएगी। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर आपने थीटा किसके इक्वल डिफाइन है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, वाई आपके पास स्क्वायर ओवर थ्री है और ये आपके पास एक्स की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर अगर आप टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये पाई बाई थ्री आता है, थीटा आपके पास पाई बाई थ्री आएगा। जेड एक्सिस में नो चेंज है तो वो एज इट इज नाइन का नाइन ही आ गया। इसके इनवर्स भी कर सकते हैं, ये तो हमने कार्टीजियन से किए हैं सिलेंड्रिकल में, अब सिलेंड्रिकल से हम कार्टीजियन में भी जा सकते हैं। जिस तरह हमने कार्टीजियन से कलविनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करवाई थी, फिर कलविनियर से हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करवाई थी कार्टीजियन, इसी तरह अब यहाँ से सिलेंड्रिकल से जाएंगे। जब हमने जाना है आर थीटा से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आप इसे देखें, ये भी आपके पास यहाँ से अगर इसे देखें, ये भी आपके पास ट्राइंगल बन रही है। यहाँ से देखें ये वाली लाइन टू आपके पास ट्राइंगल बन रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोस यहाँ से देखें, कोस थीटा अगर हम निकालें तो ये आपके पास एक्स ओवर आर बनता है कोस थीटा, तो यहाँ से हम इसे डिफाइन करवा सकते हैं कार्टीजन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक्स आपके पास होगा आर कोस थीटा। अगर हम इन टर्म ऑफ वाई लिखें तो वाई आपके पास यहाँ से किस तरह से आएगा, तो यहाँ से आप साइन थीटा दें, साइन थीटा आपके पास ये होता है वाई ओवर आर होगा, तो वाई आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा। जेड एक्सिस में नो चेंजेस है तो वो आपके पास एज इट इज आएगा, जेड इज इक्वल टू जेड। दूसरे सेंस में हम इससे कार्टेशियन की जनरेशन फॉर्म भी कहते हैं, दूसरे ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट पी को हम किसी और पॉइंट से भी डिफाइन करवा सकते हैं, किसी और मेथड से भी लोकेट करवा सकते हैं। यहाँ पर मेथड के कोऑर्डिनेट है। इसके बाद है कि अगर आपने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी हो थीटा आर एंड जेड एक्सिस की, तो हम किस तरह से बता सकते हैं यहाँ पर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कुछ बुक में यहाँ पर आर की जगह रो डिफाइन की है और थीटा की जगह फाइव देती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं, बस थोड़ी सी सिंबल चेंजेस हैं, डिफरेंट ऑक्सफर्ड डिफरेंट मेथड से थे। अब यहाँ पर आर हमने बताना आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर आर देखेंगे आपके पास आरवेज डिस्टेंस आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आरवेज आर की जो आपके पास रेंज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद आपके पास थीटा आ जाता है, तो थीटा को हम कहीं भी चारों साइड से डिफाइन करवा सकते हैं।
यहाँ से भी हम ले सकते हैं थीटा, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, किसी भी पॉइंट से हम थीटा ले सकते हैं। तो जो आपके पास थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 2π 0 से 2π। उसके बाद आपके पास रहेगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की हम रेंज देखने लगे हैं कि जेड एक्सिस की क्या है। और यहाँ पर हम जेड एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे तो ये अप साइड की तरफ जाएगा, अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये डाउन साइड की तरफ जाएगा। यानी कि जेड एक्सिस की हम इनफिनिटली मैनी वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो इसके पास आपके पास जो वैल्यूज होगी इसकी, इसे बिलोंग कर दें, ये इक्वल तो नहीं कह सकते, ये आपके पास सिंबल्स लिखते हैं माइनस में करते हैं, इस तरह से ये सिलेंडर कोऑर्डिनेट डिफाइन करवाएंगे। अब हमने चूंकि कर्वीनियर कोऑर्डिनेट में सिलेंडर कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा लेकर जाना, तो आपकी जो इक्वेशंस हैं माइंड में रखने के लिए, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आर आर किसके इक्वल आर है, आर की वैल्यू किसके इक्वल है। दूसरी आपके पास है थीटा, थीटा किसके इक्वल है। और सिलेंडर में आपको पता है जेड एक्सिस चेंज नहीं है तो वो एज इट इज चाहिए। दूसरा, अगर आपने इसकी इनवर्स देखा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आएगी, वाई आपके पास इसके इक्वल आएगी, और आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, ये ऊपर डिफाइन करवा दीजिए। अब इन्हीं चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है, जो हमारा बेसिक टारगेट है वो कर्वीनियर कोऑर्डिनेट है, हमने ऑर्थोगोनल कर्वीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन चीज़ों को लेकर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिफाइन करवाना है स्केलर फैक्टर इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट के किस तरह से होंगे। वी डिफाइन स्केलर फैक्टर, हमारे पास तीन होते हैं, H1 जिसे रिप्रेजेंट करते हैं H1, H2, H3 से इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बस आपके पास इसका जो होगा H1 को रिप्लेस करेंगे HR से, H2 को रिप्लेस करेंगे H थीटा से, जो थर्ड इसका कोऑर्डिनेट होता है H3 को रिप्लेस करेंगे HF से। ये स्केलर फैक्टर है, हमने इंट्रोड्यूस करवाए, इसको हमने किस तरह से लिखा, H1 को रिप्लेस करेंगे HR से, क्योंकि इसका जो पहला आपके पास सिलेंडर कोऑर्डिनेट में इसके कोऑर्डिनेट होते हैं R थीटा। सेकेंड को हम रिप्लेस करेंगे H थीटा से, थर्ड जो इसका कोऑर्डिनेट है वो किससे रिप्लेस होगा, जेड से रिप्लेस होगा। ये हम अब इसकी वैल्यूज भी निकालेंगे, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता है हमने H1 डिफाइन किया हुआ है कर्वीनियर कोऑर्डिनेट में, ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है अलोंग फर्स्ट कर्व, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें टेंजेंट वेक्टर बताने होंगे, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के बाद वहाँ से H1 हम डायरेक्टली बता दें। तो फैक्टर को, अगर स्केलर फैक्टर को, ये जस्ट स्केलर फैक्टर बताएं, वैल्यू ऑफ स्केलर फैक्टर नहीं बता रहे यहाँ पर। स्केलर फैक्टर हमारे पास सिलेंडर वेल में ये वाले होते हैं HR, H थीटा, ये R थीटा एंड सबस्क्रिप्ट में है। यूनिट वैक्टर इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट, यूनिट वैक्टर को डिफाइन करेंगे। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है सिलेंडर कोऑर्डिनेट में आर आ रहा है R थीटा जी है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम पोजीशन वेक्टर को आर से भी डिनोट करेंगे, क्योंकि वो भी पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से P डिफाइन करवा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, हाँ वो डिफाइन
पोजीशन वेक्टर कोई भी अल्फाबेटिक ले लें, आर लेना पी लेना पी भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू आपके पास होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस वी के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर सिलेंडर कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स वाई जी इन तीनों की वैल्यूज पड़ी हुई है, वो पुट करेंगे तो आपके पास पी जो पोजीशन वेक्टर है वो बन जाएगा एक्स आपके पास किसके इक्वल है आर कॉस थीटा है, यहाँ पर आर कॉस थीटा लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर एज इट इज आ जाएगा प्लस वाई आपके पास है आर साइन थीटा जे एज इट इज आ जाएगा यूनिट वेक्टर और जेड आपके पास जेड के इक्वल ही है के यूनिट वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसका क्या लेना है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, उस पार्शियल डेरिवेटिव को हमने किससे डिनोट किया हुआ टेंजेंट वेक्टर दिए, टेंजेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा जी, इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं पर आप क्या लें टेंजेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा जी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर का लेंगे यहाँ पर पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें आर का लेंगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर एज इट इज आर वन हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा ये वो आपके पास जो लास्ट वाली टर्म है जीरो हो जाएगी के है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है आर साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर आर कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर, थर्ड टर्म आपके पास के वाली जीरो होगी, लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी, यहाँ पर लगेगा आपके पास आर है ठीक है प्रोडक्ट लगेगा प्रोडक्ट रूम में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जी जो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो जीरो होता है, इन्हीं टर्म को यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, जब आप थर्ड टर्म की तरफ आएंगे जेड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड वन आ जाएगा तो ये आपके पास के है, पार्शियल डेरिवेटिव को यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है जो नेम दिया हुआ है कलविनियर कोऑर्डिनेट में टेंजेंट वेक्टर का नेम दिया हुआ है। इसके बाद अब हमने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा जी देखना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड जी, यूनिट वेक्टर को हमने किससे रिप्लेस किया था जो आपके पास थे कलविनियर कोऑर्डिनेट में ई वन से, और ई वन की वैल्यू आपके पास कैसे होती थी पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते थे पार्शियल लॉन्ग यू वन का
फिर इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करते थे, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा कोलिनियर कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पर ई वन को रिप्लेस किससे करेंगे, ई वन को हमने रिप्लेस करना है जिस तरह हमने एच वन एच टू एच थ्री को रिप्लेस किया, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ई आर से। यहाँ पर वन टू थ्री कर्व नहीं आ रही है, यहाँ पर हमने जो लेनी है लाइन्स वो आर थीटा है, जेड एक्सिस है। तो ये आपके पास ई टू को रिप्लेस करेंगे ई थीटा से, ई थ्री को रिप्लेस करेंगे ई जेड से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कर्व वन टू थ्री नहीं होंगी, आर थीटा एंड ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर की जो वैल्यूज आपके पास डिफाइन है ई वन, जिसे हमने रिप्लेस करना है ई आर से, इसे हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को हमने पार्शियल पोजीशन वेक्टर को पी से हमने डिनोट करना, पार्शियल पी व पार्शियल आर लेंगे, इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे। पार्शियल पी और पार्शियल आर पहले निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास गिवन है कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अब इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, किसके इक्वल होगी कॉस की और थीटा प्लस साइंस की और थीटा इक्वल टू वन होते हैं। तो ये आपके पास कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा ये आ गया। यहाँ से जो फर्स्ट आपके पास यूनिट वेक्टर आया सिलेंडर कोऑर्डिनेट का वो है कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अब बाकी भी सिमिलर इसी तरह से निकाल लेंगे, ई थीटा लिखेंगे, अभी इसके रिस्पेक्ट इसकी डायरेक्शन में आपके पास पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू से करेंगे पार्शियल पी ओवर पार्शियल थीटा। पार्शियल पी ओवर पार्शियल थीटा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस आर साइन थीटा, आई यूनिट वेक्टर प्लस आर कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर डिवाइड करेंगे। ये आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन लेकर भाई कॉमन ले लें पहले बाद में सब कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि वन की इक्वल होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस आर कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर। लास्ट वाली की निकालेंगे जिसे हमने इजी से रिप्रेजेंट किया है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, इसी के एब्सोल्यूट वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो ये आपके पास माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा और सिंप्लीफाई कर सकते, ये आपके पास पार्शियल पी और पार्शियल सी, इसका डेरिवेटिव आपके पास के आया था। तो
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन होता है, क्योंकि आपके पास ये चीज आ गई। अब यहाँ पर इनको हम इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। सेंट्रल कोऑर्डिनेट में इस वाली जो आपके पास ये कैलकुलेशन है, इसको हम इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास आ गई है, ये ठीक है। थोड़े से सिंप्लीफाई करने के लिए सेपरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा देखना। अब मैट्रिक्स में क्वेश्चन लिखने लगे हैं हम इसकी जरूरत रखते थे। यहाँ पर आपके पास आई जे के क्रॉस ई थीटा सेकेंड आपके पास है इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स, जो आपके पास इक्वेशन होती है मैट्रिक्स फॉर्म में हम लेते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी, ये आपके पास इसके यूनिट वेक्टर होंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास आई जे के थे, ये आपके पास आई जे के। यहाँ पर आई की वैल्यू लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, जो आपके पास ई आर की जो इक्वेशन थी। जे की वैल्यू यहाँ पर थी साइन ऑफ थीटा, के तो जीरो था। अब ई थीटा की इक्वेशन की वैल्यूज लिखेंगे। आई की वैल्यू आपके पास थी माइनस साइन थीटा, जे की वैल्यू आपके पास थी कॉस थीटा, और के आपके पास यहाँ पर जीरो था। यहाँ पर ई जी की जब हम आएंगे, आई भी जीरो था, जे भी जीरो था, लेकिन के आपके पास यहाँ पर वन है। के साथ आपके पास ये मैट्रिकल सिलेक्शन डिफाइन करवा दी। अब इसके बाद हमने वैल्यूज डिफाइन करवानी है। वैल्यूज डिफाइन करवाई है स्केलर फैक्टर की। सिंगल कोऑर्डिनेट ने स्केलर फैक्टर को रिप्रेजेंट किया था H1 से, क्या यहाँ पर हमने H1 को रिप्लेस किया था HR से, जिसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल थी। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू R, या HR है तो उसकी उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल P ओवर पार्शियल R। अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है इसकी, 1 थी। दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखें, ये आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास 1 ही आता है। यहाँ पर आपके पास H1 की वैल्यू आई 1, सॉरी H1 को हमने रिप्लेस किया HR की वैल्यू यहाँ पर आई 1। सेकेंड H2 को रिप्लेस किया जाता है H थीटा से। यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पार्शियल P ओवर पार्शियल थीटा। यहाँ से आपके पास इसके हम निकाल चुके हैं, जब हमने वहाँ पर मैट्रिक्स नोटेशन लिखी थी तो R आया था। दोबारा देख लेते हैं, तो ये आपके पास R स्क्वायर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम्स है उसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आपके पास आर स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आर की इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो आपके पास फैक्टर है, स्केलर फैक्टर है, जिसे एच ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट किए सिलेंडर कोऑर्डिनेट में, इनकी इन टर्म ऑफ कॉलिनियर कोऑर्डिनेट वैल्यूज जो है ये आपके पास आर।
एच थ्री को हमने रिप्लेस किया था तो थर्ड से, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है पार्शियल पी ओवर पार्शियल जेड। यहाँ पर आपके पास के के यानी कि इसके साथ वन है, वन का स्केयर ले तो स्केयर रूट लें तो वन ही आएगा आपके पास। ये के जस्ट यूनिट वेक्टर है, इसके साथ जो वैल्यू थी उसे कंसीडर करें, के तो नहीं है। एच ऑफ जेड आपके पास वन, यहाँ पर आप देखें सिलेंडर कोऑर्डिनेट में जो आपके पास स्केलर फैक्टर है एक ही वन है, दूसरे की आपके पास आर है, और जो आपके पास जो जी है जो थर्ड स्केलर फैक्टर है उसकी वन। कार्टेशियन में एच वन आपके पास था वन, एच टू भी आपके पास था वन, और एच थ्री भी आपके पास वन था, जबकि जो आपके पास कलविनियर कोऑर्डिनेट में ये वैल्यूज होती है उसमें आपके पास ये कर्व इस तरह का। सिलेंडर कोऑर्डिनेट में हमने स्केलर फैक्टर डिफाइन करवा लिए, अब हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है लेंथ की। कलविनियर से हमने किस में जा रहे हैं, सिलेंडिकल में जा रहे हैं। आर्क लेंथ एरिया वॉल्यूम की देख ली जिस तरह हमने कार्टेशियन में देखी थी इसी तरह यहाँ पर देखी थी। सबसे पहले एरिया डिफाइन करवा लेते हैं, आर्क लेंथ डिफाइन करवा लेते हैं जिसे डी एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट वी हैव U1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर है। U2 को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास ठीक है। U3 को जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जेड एक्सिस है। इसके बाद हमारे पास स्केलर फैक्टर आ जाएंगे H1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्केलर की वैल्यू 1 है, और H2 सेकेंड स्केलर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है, आर के इक्वल आई है। एच थ्री थर्ड भी हमारे पास है। ये हमने कलविनियर पे लिखे इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर को भी, कलविनियर में जो आपके पास चीज थी वो सिलेंडर में इसकी वैल्यू सी है। ये हमने ये जो फैक्टर बताया ये सिलेंडिकल सिस्टम के बता, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है कि हमने सिलेंडर से हमने जाना है कलविनियर के लिए, तो वहाँ पर जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले डिफाइन करवानी होती है वो करवाई। आर्क लेंथ एलिमेंट कन्वीनियर कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई, वो एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव की थी कन्वीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास आर्क लेंथ की जो इक्वेशन थी वो थी डी एस के इज इक्वल टू H1 square du1 square plus H2 square du2 square plus H3 square du3 square। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन है इन ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर
कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट की भी आपके पास सिचुएशन है, जब यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। अब सिलेंडर कोऑर्डिनेट में हमारे पास हो जाएगा हमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, बिकम डी एस स्क्वायर एज इट इज आएगा। एच वन की वैल्यूज पुट करेंगे, एच वन आपके पास गिवन है किसके इक्वल, वन के इक्वल है, ये आपके पास वन स्क्वायर आ जाएगा। एच डी यू वन, यू वन को हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, आर के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो डी यू वन आपके पास आ जाएगा डी आर, ये वैल्यूज आ जाएगी। एच टू को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, आर के इक्वल रखा हुआ है, तो ये आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर यू टू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो डी थीटा स्क्वायर। एच थ्री भी आपके पास यहाँ पर वन वन स्क्वायर, यू थ्री को हमने जेड एक्सिस के इक्वल रखा हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इसका अल्टरनेटिव भी हम ड्राइव कर सकते हैं, पहले आपने वो डी एक्स फिर डी आर रिप्रेजेंट करवाएं, टू टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो वो भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास ये है कि जो आपके पास कैलकुलेशन प्रोजेक्ट की इक्वेशन है उसको वैल्यूज की हेल्प से भी करवा सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगी डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये आपके पास आर एलिमेंट की इक्वेशन रह जाएगी। रिक्वायर आपके पास सेकंड जो हमारे पास है एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। सेकंड यहाँ पर हमें जो ड्राइव करना है, एरिया एलिमेंट ड्राइव करेंगे। एरिया एलिमेंट को हमने किसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी ए वन डी ए टू डी ए थ्री, इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की हुई है। तो ये आपके पास कॉलिनियर ऑर्थोगोनल कॉलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एरिया एलिमेंट की इक्वेशन होती है, डी ए वन इसकी वैल्यू आपके पास है एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री। सेकेंड एरिया आपके पास आता है डी ए टू, यहाँ पर आप लिखेंगे एच वन एच थ्री डी यू वन डी यू थ्री। हाँ, थर्ड आपके पास है डी ए थ्री से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये आपके पास होगा एच वन एच टू डी यू वन डी यू टू। ये तमाम की तमाम सिचुएशन है, और प्रॉपर कन्वीनियर कोऑर्डिनेट में अब सिलेंड्रिकल में भी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ईजी होगी, हमें सारी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगी। और कोऑर्डिनेट सिस्टम इस
कोऑर्डिनेटरी मेथड वही है कि आप वही स्टार से कैलकुलेशन करते रहे, फिर उसे आप एंड पर आपको सोल्यूशन मिले। अगर अलग से कुछ है सिलेंडर में, अगर हम इसे देखें तो डी ए वन की जो वैल्यूज आपके पास आएगी एच टू, यहाँ पर क्या है एच टू, हमने क्या रखा हुआ आ रखा हुआ एच थ्री, यहाँ पर वन है, यहाँ पर यू टू थीटा के इक्वल रखा हुआ और यू थ्री जेड एक्सिस के इक्वल रखा हुआ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डी ए टू की अगर हम वैल्यू पुट करें, एच वन वन ही है, एच थ्री भी वन ही है, यू वन आर के इक्वल है, यू थ्री जेड के इक्वल है, लास्ट जो आपके पास है डी ए थ्री एच वन वन के इक्वल है, एच टू आर के इक्वल है, यू वन आर है, यू टू ठीक है। ये इक्वेशन ड्राइव कर रही है, इक्वेशन आपके पास क्या आई है आर डी ए वन आर डी थीटा डी जी डी ए टू डी आर डी जी डी ए थ्री आर डी आर डी जी टू, ये आपके एरिया लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ सोलर कोऑर्डिनेट। वॉल्यूम भी बता सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम पूछा जाए वॉल्यूम की इक्वेशन कॉलिनियर कोऑर्डिनेट में हमारे पास होती है एच वन एच टू एच थ्री डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, एच वन वन है, एच टू आर के इक्वल है, एच थ्री भी वन है, डी यू वन आर डी थीटा डी यू, यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ गया आर डी आर डी थीटा एंड डी, ये वॉल्यूम आपने बता दिया सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम इसके इक्वल होते हैं। जैकोबियन की तो वन थी, कार्टेशियन में अब यहाँ पर देखते हैं कि जैकोबियन की सिलेंडर में क्या होता है। कैल्विनियन में हमने ये बता दिया बात कि जैकोबियन कभी भी आपके पास जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी भी रिमूव नहीं होगी। कैल्विनियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जैकोबियन होते हैं उसकी वैल्यू एच वन एच टू एच थ्री इसके इक्वल है, या सिलेंडर कोऑर्डिनेट में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे एच वन वन है, एच टू आर है, एच थ्री वन है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर के इक्वल, ये जैकोबियन है। अब हमने एक्सप्रेशन देखनी है ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन देखनी है इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास जो पहली ड्राइव हुई है उनको ही ले लेंगे और बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले ट्रायंगल की ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कर्व की जो कोऑर्डिनेट चाहिए उसके बाद स्केलर फैक्टर है, यूनिट वेक्टर है और वेक्टर है, यू वन रिप्लेस होगा आर से, यू टू रिप्लेस होगा थीटा से, यू थ्री रिप्लेस होगा जेड से, ये हमने रिप्लेस कर दिए। उसके बाद स्केलर आते हैं, एच वन की वैल्यू हमारे पास सिलेंडर करने वन है, एच टू की वैल्यू हमारे पास आर है, एच थ्री की वैल्यू
वन के बाद यूनिट वेक्टर है, ई वन को रिप्लेस किया ई आर से, ई टू को रिप्लेस किया ई थीटा से, ई जी को रिप्लेस किया तो ई थ्री को रिप्लेस किया ई जी से, यूनिट वेक्टर डिफाइन करवा दी। हमारे पास वेक्टर रह गया, वेक्टर ए वन होता है, ए वन को रिप्लेस कर दें, जिस तरह हमने यहाँ पर स्केलर को जब रिप्लेस किया था, एच वन को एच आर से, एच टू को एच थ्री से, एच थ्री को एच, इसी तरह ए वन को ए आर से रिप्लेस करेंगे, ए टू को रिप्लेस करेंगे ए थीटा से, और जो आपके पास ए थ्री है उसको रिप्लेस करेंगे ए आर से। ग्रेडियंट को हमने डिफाइन करवाया था डेल ऑफ साई से, और कलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है वन ओवर एच वन पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू वन ई वन प्लस वन ओवर एच टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू टू ई टू प्लस वन ओवर एच थ्री पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू थ्री ई थ्री। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये है ऑर्थोगोनल कलिनियर कोऑर्डिनेट की। इन सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास इसकी जो वैल्यू जाएंगी डेल ऑफ साई इज इक्वल टू वन ओवर एच वन, आपके पास यहाँ पर वन ही आएगा, पार्शियल साई ओवर यू वन को रिप्लेस किया है आर से, ई वन ई आर से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस एच टू आपके पास आर के इक्वल है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा ई थीटा प्लस एच वन आपके पास वन है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू जी, यू थ्री को जी से रिप्लेस करेंगे और ई थ्री जी में आ जाएगा, फाइनल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका डेल ऑफ साई इज इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर ई आर प्लस पार्शियल साई ओवर वन ओवर आर पार्शियल साई ओवर पार्शियल थीटा ई थीटा प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल जी ई जी। ये वाली बुक लिखती था एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई है ग्रेडियंट। इसी तरह डाइवर्जेंस की करनी है, डाइवर्जेंस के जो हमने एक्सप्रेशन कलिनियर कोऑर्डिनेट की है डेल डॉट ए इज इक्वल टू वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू वन एच टू एच थ्री ए वन प्लस
partial derivative with respect to u2, h1, h3, a3, sorry, a2 either, what do you do with respect to a2, plus partial derivative with respect to u3, h1, h2, a3. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है जल्द. डेल डॉट ए एज इट इज लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में जो इसकी वैल्यूज है वो पुट कर देंगे. एच वन भी आपके पास वन के इक्वल है, एच टू आर के इक्वल है, एच थ्री भी वन के इक्वल है. यू वन को रिप्लेस करेंगे आर से, पाशर ओवर पाशर आर, एच टू आर है, एच वन एच थ्री वन है. ए वन को किससे रिप्लेस करेंगे, ए आर से, ये वैल्यूज आ जाएंगे. प्लस सेकंड को रिप्लेस करेंगे थीटा से, एच वन आपके पास वन है, एच थ्री भी वन है, ए टू ए आर से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा है. प्लस थर्ड को रिप्लेस करेंगे जेड से, एच वन वन है, एच टू आर है, ए थ्री आपके पास आ जाएगा. ए भी ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है डाइवर्जेंस की. फाइनल इसका जो आंसर है डेल डॉट ए इज इक्वल टू वन ओवर आर. वन ओवर आर को आप तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं. वन एज ही रहने दें. पाशर ओवर पाशर आर, ये आपके पास आएगा आर ए आर, प्लस पाशर ओवर पाशर थीटा, ए थीटा, प्लस पाशर ओवर पाशर जी आर ए जी. आर को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी कैंसिल आउट हो जस्ट इसके साथ आएगा जो आपके पास पाशर ओवर पाशर थीटा वाली टर्म. ये डाइवर्जेंस की टर्म थी. इसके बाद हमने कलविनियर की उसकी कर्व की एक्सप्रेशन देखी है. कलविनियर कोऑर्डिनेट में जो कर्व की एक्सप्रेशन है मैट्रिक्स फॉर्म की लिख लेते हैं, दूसरी वाली तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी. मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी जो आपके पास वैल्यू थी डेल क्रॉस आर, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री, डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर यूनिट वेक्टर रखेंगे एच वन ई वन आई जे के की जगह होती है, एच टू ई टू, एच थ्री ई थ्री. यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू यू वन, विद रिस्पेक्ट टू यू टू, विद रिस्पेक्ट टू यू थ्री, उसके बाद आपके पास में यहाँ पर एच वन ए वन, एच टू ए टू, एच थ्री ए थ्री. अब कलिनियर कोऑर्डिनेट में इस टर्म्स को वेरीफाई करना है. डेल क्रॉस ए इन कलिनियर कोऑर्डिनेट में आपके पास इसकी टर्म आ जाएगी, एच वन वन है, एच टू आर है, एच थ्री भी वन है, वन ओवर आर. और डिटर्मिनेंट एच वन वन है तो यहाँ पर आपके पास ई वन आएगा जस्ट, एच टू आर है तो ये आपके पास आएगा आर, सॉरी ई वन को रिप्लेस किससे करना है, ई आर से, और ई टू को रिप्लेस करना ई थीटा से, ये साथ में ये भी कन्वर्ट करते हैं. एच थ्री वन है तो थर्ड ई थ्री को रिप्लेस करेंगे ई वी से.
यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, यू वन रिप्लेस होगा आर से, यू टू रिप्लेस होगा थीटा से, यू थ्री रिप्लेस होगा टी से, उसके बाद एच वन की वैल्यू वन है, ए वन रिप्लेस होगा ए आर से, एच टू आर है, ए टू रिप्लेस हो जाएगा ए थीटा से, तो ए थ्री है, एच थ्री वन है, ए थ्री रिप्लेस होगा ए जी से। ये आपके पास सिलेंड्रिकल की एक्सप्रेशन आ गई है। इसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन रह गई है लोकेशन की, लोकेशन के जो इक्वेशन डिफाइन की थी वो थी डेल स्क्वायर साई के साथ कलिनियर कोऑर्डिनेट में हमने डिफाइन करवाई थी, उसकी इक्वेशन हमारे पास आती थी वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू वन। यहाँ पर आपके पास एच टू एच थ्री डोमिनेटर एच वन पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू वन, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू टू। यहाँ पर आपके पास थे एच वन एच थ्री एच टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू टू, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू थ्री एच वन एच टू एच थ्री पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू थ्री, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सिलेंडर की जो वैल्यूज आपके पास, एच वन भी वन हो जाएगा, एच थ्री भी वन होगा, एच टू की वैल्यू वन ओवर आर, यू वन को रिप्लेस कर देंगे आर से, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर, ये बाकी वन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे आपके पास होगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, प्लस सेकेंड वाली जो वैल्यूज है बोले मैम आज के लिए इतना ही काफी है, वो ये इक्वेशन तो कंप्लीट है। यू टू को रिप्लेस करते हैं थीटा से, ये एच वन आपके पास वन है, एच थ्री भी वन है, एच टू आर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास सेकेंड थीटा में रिप्लेस होगा, यू थ्री को रिप्लेस करेंगे जेड से, एच वन एच टू एच वन वन है, एच टू आर है, एच थ्री वन है, ये पार्शियल साई ओवर पार्शियल यू थ्री पार्शियल वी थ्री से रिप्लेस हो जाएगा। ये आपके पास रिप्लेशन इक्वेशन है डेल स्क्वायर ओवर फाइव। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।